हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भवन धाराओं से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर देख लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, भंवर धाराएं। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया भंवर धाराएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।